अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हमदाद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हंटिंग एडवेंचर्स। अपने चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है तीतर के शिकार पे। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर भी और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी कमेंट्स आते रहते हैं और तीतर के शिकार के हवाले से जो है वो डिस्कस करते हैं कि इसके लिए कौन सा कारतूस इस्तेमाल करना चाहिए या कौन सी जो है वो चौक हमें यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर जो है वो एक वीडियो बना दूं डिटेल से। तो आज मैं जो है वो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि मैं जो है वो सिर्फ मैं अपना से जो है वो डिस्कस करूँगा कि मैं जो है वो कौन सा कारतूस इस्तेमाल करता हूँ, कौन सी चौक के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल हम जो है वो कारतूस के हवाले से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले मैं कौन सा कारतूस इस्तेमाल करता था, अब मैं कौन सा जो है वो तीतर के शिकार के लिए जो है वो कारतूस इस्तेमाल करता हूँ, और अभी जो है कुछ अर्से बाद जो है वो बटेर का शिकार भी आने वाला है, यानी कि जो अपलैंड हंटिंग जो है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे, ख़ासतौर पर तीतर और बटेर के शिकार के हवाले से। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह ताला इसमें सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि बहुत से लोग हैं जो तीतर के शिकार के लिए 6 नंबर भी इस्तेमाल करते हैं, 7 नंबर भी इस्तेमाल करते हैं, 8 नंबर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं और मैं भी जो तकरीबन काफ़ी अर्से तक इस्तेमाल करता रहा हूँ, 7 साल तकरीबन या 8 साल के करीब, 8 नंबर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादातर 8 नंबर यूज़ करती है तीतर के शिकार के लिए, और बटेर के शिकार के लिए भी 8 नंबर यूज़ करती है। उसके बाद आ जाता है 6 नंबर, 7 नंबर, लेकिन 7 नंबर जो है वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो 8 नंबर और फिर उसके बाद 6 नंबर, और थोड़े बहुत जो है वो 10-15% लोग होंगे जो 7 नंबर इस्तेमाल करते होंगे। तो मैं अपनी बात करूँगा, मेरी बात से अगर कोई जो है वो डिसएग्री करना चाहे तो डिसएग्री भी कर सकता है। ये मेरा जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, मैं इस वीडियो में जो भी आप लोग मशवरा दूँगा वो मेरा ज़ाती तजर्बा होगा, ज़ाती मशवरा होगा। उससे आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट मुझे पहले जिस कारतूस से मिलते थे वो मैंने क्यों छोड़ा और जो अब मैं कारतूस यूज़ करता हूँ वो मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसकी क्या ख़ास बात है, क्या वजह है, अब तक के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके क्या हैं, तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने शिकार शुरू किया था तकरीबन 2011 में, तो उस वक्त जो है वो जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे उस्ताद कह लें, जो हमारे सीनियर हंटर्स हैं, उन्होंने 8 नंबर का मशवरा दिया, वो खुद भी 8 नंबर यूज़ करते थे। तो शुरुआत जो है वो मैंने शाहीन के जो है वो 8 नंबर के कारतूस से की थी, जो कि नॉर्मल 31 ग्राम का आता है। तो मैं अपनी वीडियो के दौरान कोशिश करूँगा कि मैं तस्वीर भी साथ लगाऊँ और ख़ुद भी डिटेल से जो है वो आपको बताता रहूँगा। तो उसमें जो है वो हमने 8 नंबर से शुरुआत लिया, और माशाल्लाह मैं रिपीटर यूज़ कर रहा हूँ शुरू से, बाइकल MP155। अभी तक जो है वो मेरे पास वही एक ही गन है तकरीबन, पिछले जितने भी सीज़न गुजरे हैं, 9 सीज़न गुजर चुके हैं, 9 या 10 सीज़न गुजर चुके हैं, गन मेरी वही एक ही है, और चौक जो है वो मैं 5 नंबर यूज़ करता था, 5 कट। अच्छा, कारतूस की बात करें तो 8 नंबर मैं काफ़ी अर्से तक जो है वो यूज़ करता रहा, काफ़ी मेरा ये रिकॉर्ड था, मेरा खुद भी और दोस्तों के साथ भी, जो मेरे उस्ताद मेरे साथ जाते थे उनके साथ भी। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह विंगर बहुत ना होने के बराबर शॉट होते थे, यानी पूरे सीज़न में शायद ही कोई एक आध विंगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ मेरा कोई विंगर नहीं होता था, बहुत बेहतरीन चलता था। 8 नंबर जो मेरे पार्टनर थे वो भी यूज़ करते थे। बीच में एक ख़राब लॉट आई थी 8 नंबर की, एक आध सीज़न था जिसमें सबके जो है वो बुरे चले थे, मतलब कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, और या तो ज़ख्मी हो रहा था बर्ड, या तो फिर वो जो है वो विंगर होके भाग जाता था परिंदा, तीतर की बात हो रही है। तो बहरहाल खैर, उसे एक आध सीज़न को निकाल के अगर आगे बात करें तो 8 नंबर एक बहुत अच्छा कारतूस था। अब की बात मैं नहीं कर रहा, अभी मैं आपको जो है वो सारी स्टोरी शेयर करता हूँ अपनी, इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं पूरी शेयर करूँगा। तो उसमें जो है वो काफ़ी अर्से तक मैं 8 नंबर जो है वो कारतूस यूज़ करता रहा, बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन पिछले
तीन सालों से तकरीबन जो है वो मैंने महसूस किया कि इसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है। उसके अलावा दोस्त यारों से, दोस्त अहबाब से, जो जितने भी हमारे गैदरिंग के हैं हंटिंग कम्युनिटी के, उन्होंने भी शिकायत की कि अब जो है वो 8 नंबर इतना ख़ास नहीं चल रहा, मज़ा नहीं आ रहा, फिंगर ज़्यादा हो जाते हैं या ज़ख्मी हो के परिंदा कहीं भाग जाता है या कोई इस तरह के मसले मसाइल ज़्यादातर हो रहे थे। और मैंने ख़ुद भी महसूस किया कि बहुत जो है वो विंगर मेरे हो रहे थे। पिछले सीज़न में भी मेरे बहुत ज़्यादा विंगर हुए। तो लास्ट ये जो भी सीज़न गुजरा है, इससे पिछला सेकंड लास्ट सीज़न जो था उसमें मैंने तकरीबन आखिरी के जो दो शिकार थे, शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 शिकार थे, उसमें मैंने जो है वो अपना जो है वो तंग आकर आखिरकार मैंने जो है वो अपना कार्ट्रिज चेंज कर लिया था। उसमें आपसे डिस्कस कर दूँ, खैर डिटेल में मैं वीडियो बनाऊँगा और इंशाल्लाह आपके साथ मैं कोशिश करूँगा 2 या 3 हिस्सों में आपके साथ शेयर।